हाय एवरीवन, आई एम शेली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले अंडर 500 रुपीज़, जी हाँ अंडर 500 रुपीज़ के बहुत ही ब्यूटीफुल वाले एम्ब्रॉयडर्ड कलरफुल और स्पेशली कॉटन मटेरियल वाले सारी कुर्ताज हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये ऐसे कुर्ताज हैं जिन्हें आप अपकमिंग फेस्टिव सीजन में डेफिनेटली स्टाइल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि आज का जो वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग लिंक देने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक लिंक दिया है, amazon.in/shop-shelly करके। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ना वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाए हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरी विश लिस्ट में है और जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। बस जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके शॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक लिंक है, उसे ही खोल के आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आप स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो के साथ। ओके, तो जो हमारा पहला कुर्ता है ये है मैक्स फैशंस का। बेसिकली जो भी कुर्ता मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे ही मैक्स फैशंस के हैं। मैक्स फैशंस अगर आपको नहीं पता तो अमेजोन पे आ चुका है और मैक्स फैशंस मेरा फेवरेट ब्रांड है। अगर आप बहुत ही कम प्राइस में अच्छे कपड़े लेना चाहते हो ना तो मैक्स फैशंस डेफिनेटली चेकआउट करना। ये है पहला कुर्ता, ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है ये कुर्ता और ये परफेक्ट है एवरीडे के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए भी। मैंने इसको स्टाइल किया है वाइट कलर की प्लाजो एंड वाइट कलर के दुपट्टा के साथ और इस पे ना पूरा कुर्ता सिंपल है, पूरे कुर्ता पे प्रिंट है, बस इसका जो नेक एरिया है यहाँ पर पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है जो कि मैं अभी आपको क्लोजअप से दिखाऊंगी। इसका स्टफ है कॉटन, तो पहनने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। स्लीव्स है 3/4 और मेरी हाइट है 5'5", तो मुझे ये आ रहा है नी लेंथ तक। अगर आपकी हाइट मुझसे छोटी है तो आपको आएगा लंबा, या फिर अगर आपकी हाइट मुझसे बड़ी है तो आपको आएगा थोड़ा सा और नी से ऊपर। तो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और ये है इसकी नेक की पूरी क्लोजअप से, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है सिल्वर कलर के थ्रेडवर्क से पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और बाकी तो पूरा प्रिंट ही है। और मैंने यार मैक्स फैशन के कितने सालों से मैं खरीद रही हूँ और कभी मेरा बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वॉश करने पे कलर फेड हो गया है, कुछ कपड़ा की क्वालिटी ख़राब हो गई, तो हमेशा अच्छा ही रहा है। और इस प्राइस में आई थिंक एब्सोल्युटली वर्थ इट है। और आप खोल के देखोगे ना लाइक अमेजोन पे, तो वहाँ आप देखोगे इसके रिव्यूज़ इतने कमाल के, सबने 5/5 स्टार्स दिए हैं। तो डेफिनेटली साइजेस बहुत कम हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टाइमली परचेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कुर्ता है ये है हमारा नेवी ब्लू एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में। ये भी ऐसा कुर्ता है जिसको आप ऑफिस में पहन सकते हैं, कॉलेज में पहन सकते हैं, हर रोज़ के तौर पे पहन सकते हैं, फेस्टिवल सीजन में दिन के टाइम में इसको पहन सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉटन मटेरियल, वेरी कम्फर्टेबल। बट मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो है साइजिंग इशू। लाइक ये लार्ज है बट मुझे इतना ज़्यादा टाइट आ रहा था, लाइक लिटरली मैंने बस क्योंकि कुर्ता मंगाया था आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने पहना है, वरना मेरे को उस टाइम सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम होती जब मैंने पहना था। इट वॉज़ रियली अनकम्फर्टेबल, बट लुक वाइज कमाल का है, कम्फर्टेबल है बहुत ज़्यादा और इसका कलर भी ना ब्राइट वाला है, कोई डल वाला नहीं है। तो आई थिंक प्राइस के हिसाब से बहुत ही प्यारा कुर्ता है। ये है इसके ऊपर जो पूरा प्रिंट हुआ है उसका क्लोजअप। तो जो इसकी स्लीव्स है वो उस पर हुआ है पोल्का डॉट्स वाला प्रिंट। तो ये है स्लीव्स का क्लोजअप। ओके, तो जो नेक्स्ट कुर्ता है ये तो मेरा आज के हॉल में सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला कुर्ता है। इसमें पीसेस ना बहुत कम है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली टाइमली बाय कर लेना। ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल वाला येलो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चटक वाला येलो है और बहुत ही मतलब ये ना बिल्कुल परफेक्ट वाला येलो है। मुझे लगता है हर स्किन टोन पे अच्छा लगने वाला है। अगर पिंक और रॉयल ब्लू के बाद कोई मेरा फेवरेट कलर है तो वो है येलो। इसकी स्पेशल बात ये है कि इसका जो चेस्ट एरिया पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्लोजअप से, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस कुर्ते में बेसिकली पूरा सिंपल है, कलर बहुत ब्यूटीफुल है, 3/4 इसकी स्लीव्स है, इसका फैब्रिक कॉटन है जो कि इसको परफेक्ट बनाता है और कम्फर्टेबल बनाता है समर्स में पहनने के लिए। और इसका जो स्पेशल है मैंने आपको बताया, जो पूरा चेस्ट एरिया पे पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कोई भी प्रिंट वगैरह नहीं है, ज़्यादातर लोग प्रिंट पसंद नहीं करते तो आप इसे डेफिनेटली पहन सकते हैं। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है आप इसको ना अपकमिंग फेस्टिव सीजन में डेफिनेटली इसको पहन सकते हैं दिन के टाइम में।
ओके, तो ये आप देख ही सकते हैं, इसके जो पूरे चेस्ट एरिया पे ना रॉयल ब्लू एंड फूशिया पिंक कलर का और सिल्वर कलर का थ्रेड वर्क का काम हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं भी आपको और पास से दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। जस्ट लुक एट दैट, इट्स लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही एलिगेंट सा काम हुआ है, बिल्कुल जैसे कॉलेज गर्ल है ना, तो आपको तो बहुत ही पसंद आएगा ये वाला कुर्ता। तो हाँ, इसका भी जो लेंथ है नी लेंथ तक आया है मुझे, मेरी हाइट है 5'5", अगर आपकी हाइट मुझसे बड़ी है तो आपको नी लेंथ से ऊपर आएगा। और इसकी जो स्लीव्स है 3/4 है और एंड में स्लीव में इस तरह की डिटेलिंग्स है, लाइक थ्रेडवर्क से काम किया हुआ है, गोल्डन कलर के और पिंक कलर के थ्रेडवर्क से यहाँ पर काम किया हुआ है। ओके, जो नेक्स्ट कुर्ता है ये है मस्टर्ड एंड ऑरेंज का मिक्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, और ये भी ऐसा कलर है जो हर इंडियन स्किन टोन पे अच्छा ही लगने वाला है। इसमें पूरे इसमें आपको मिल जाएगी एम्ब्रॉयडरी, लाइक आजकल ना ज़्यादा लोगों को प्रिंट पसंद ही नहीं आता, इंक्लूडिंग मी, मैं भी प्रिंट या तो लेती हूँ तो किसी ऐसे ब्रांड का लेती हूँ जो बहुत ही अच्छा वाला ब्रांड हो, क्योंकि ना आजकल प्रिंट ऐसा होता है कि वॉश करने के बाद निकल जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी तो यार काफ़ी चलती है, वॉश करने के बाद नहीं निकलती है। तो ये है एम्ब्रॉयडरी, पूरे इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, पूरा सिंपल कुर्ता है, कलरफुल, और बस इसमें पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक ना छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी की हुई है जगह 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 पर। तो हाँ, मैं भी आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। और ये भी फैब्रिक जो है इसका कॉटन है, तो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ये भी ऐसा कुर्ता है जिसे आप अपकमिंग फेस्टिव सीजन में स्टाइल कर सकते हैं, ऑफिस में पहन सकते हैं, कॉलेज में पहन सकते हैं, हर रोज़ पहन सकते हैं। तो इसमें ना अभी मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगी, तो जो इसका काम है इसमें गोल्डन का यूज़ किया गया है, गोल्डन थ्रेडवर्क का यूज़ किया गया है, तो मैंने गोल्डन प्लाजो के साथ स्टाइल कर लिया है इसको। तो इसमें आप देख रहे हो गोल्डन ब्लू एंड पिंक कलर का, सॉरी मेरा गला बड़ा ख़राब है, तो इसको मैंने स्टाइल के लिए गोल्डन कलर की प्लाजो के साथ, ओवरऑल ये कलर और इसमें जो पूरा एम्ब्रॉयडरी की हुई है बहुत नीट लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और क्योंकि ये कॉटन है तो ये एकदम परफेक्ट है और कंफर्टेबल है पहनने के लिए। तो ये आप देख लीजिए एकदम क्लोजअप इसका एम्ब्रॉयडरी का। ओके, जो लास्ट हमारा है ये है, कोई कुर्ता नहीं है बट बेसिकली दिस इज जो होता है ना लहंगा स्कर्ट के साथ पहनने के लिए शॉर्ट वाले जो टॉप आते हैं, ये वो वाला है, बट इसका यार मुझे कलर और इसका प्रिंट इतना कमाल का लगा है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला ना रोजेस, पिंक और रेडिश कलर की रोज बने हुए हैं और ग्रीन कलर की लीव्स, इतना कूल है ना, लाइक अगर आप अनमैरिड है ना तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र छोटी है, और लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्लैरी सी स्कर्ट हो नीचे एंड ऊपर इस तरह का टॉप, बड़ा ही कूल लगने वाला है। इसके ना इधर हैंड्स पे इधर गोल्डन कलर की गोटा पट्टी लगाई हुई है, तो डिटेलिंग इसकी ओवरऑल मुझे बड़ी ही प्यारी लगी है यार। आजकल जो कॉलेज गर्ल्स होती है ना जैसे, तो वो इस तरह के कपड़े मतलब मुझे लगता है काफ़ी अच्छे लगते हैं दिवाली के टाइम पे, ना अच्छी सी स्कर्ट हो एंड इस तरह का ऊपर टॉप हो, ज़्यादा ना चटक मटक वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जितना सिंपल और सोबर हो उतना ही अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली प्राइस के अकॉर्डिंग इसको डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है। इसका फैब्रिक है रेयॉन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्रिंट एकदम नीट है, कुछ नया है ये कलर, इसमें जो काम हुआ है ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन ना बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत देखने को मिलता है ऐसा कलर और ऐसा काम, तो मुझे बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा लगा, और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल और ना लुक वाइज ना बड़ा ही क्यूट है ये। तो हाँ, ये था मेरा छोटा सा आज का वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ कल आपसे अपने वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर, बाय।